मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा सातवीं हिंदी सरोवर भाग का जो आपका पाठ है तैमूर की हार, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। तो अक्सरांश आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिन शब्दार्थों को आप देख रहे हैं पिछले वीडियो में, इनको हम कर चुके हैं। पहले आप इसमें मौखिक प्रश्नों को करेंगे कि महमूद गजनबी कौन था, जफर अली कौन था, बलकरन किसके घर से दूध लेने गया था। ये जन मौखिक प्रश्न पहले आप करेंगे, उसके बाद हम लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। तैमूर की हार प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्न, महमूद गजनवी कौन था? तो महमूद गजनवी अफगान से आया हुआ एक लुटेरा था। उसने भारत में आकर के बहुत लूटपाट की थी, यानी कि भारत में सोमनाथ मंदिर को उसी ने लूटा था। जफर अली कौन था? तो जफर अली तैमूर की सेना का एक सरदार था। जफर अली कौन था भाई? तैमूर की सेना का एक सरदार था। बलकरन किसके घर से दूध लेने गया था? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने कहानी को पढ़ा था अच्छे से। बलकरन की आज वर्षगांठ थी, उसका हैप्पी बर्थडे था। सुजान अभी तक दूध ले करके नहीं आया था, क्योंकि खीर बनानी थी। इसलिए बलकरन कहता है कि मैं ही दूध लेकर के आता हूँ। और थोड़ी देर बाद जो है, तैमूर अपनी सेना सहित वहाँ पर हमला कर देता है। बलकरन सुजान के घर ही रह जाता है। हमने पढ़ा था कि सुजान का घर है वो एक तरफ कोने में था, इसलिए उनकी सेना वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। बलकरन किसके घर से दूध लेने गया था? तो अभी मैंने बताया था आपको, बलकरन सुजान के घर से दूध लेने के लिए गया था। अगला प्रश्न है, तैमूर ने शाम तक कहाँ पहुँचने का हुक्म दिया? तो तैमूर ने शाम तक अमरकोट जाने का हुक्म दिया। ये और है ना भाई, ये अतिरिक्त है, इसको नहीं पढ़ना है, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा। तो अमरकोट जाने का हुक्म दिया, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन प्रिंटिंग में कई मरतबा एकाध मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। बलकरन का दूध कौन पी गया? तो आपने देखा था कि बलकरन दूध लेकर के वापस आता है, तैमूर वहाँ खड़ा हुआ है और वह बलकरन के हाथ से दूध छीनता है और उसका दूध पी जाता है। तो बलकरन का दूध छीनकर तैमूर पी गया। आगे हम करते हैं लिखित प्रश्नों के उत्तर। बलकरन की 12वीं वर्षगांठ पर कल्याणी क्या क्या करना चाहती थी? कल्याणी कौन थी भाई? कल्याणी बलकरन की माँ थी। तो बलकरन की 12वीं वर्षगांठ पर कल्याणी कहती है कि मैं अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। आज मैंने तेरे लिए बहुत सी मिठाइयाँ बनाई हैं, वे सब उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आशीर्वाद दूंगी। अगला प्रश्न है, तैमूर कौन था और वह किस बात के लिए कुख्यात था? तैमूर अफगानिस्तान का रहने वाला तुर्क पठान था, वह लूट के लिए कुख्यात था। उसने भारत आकर के भी बहुत सी लूटें की, यानी सोमनाथ के मंदिर तक को उन्होंने नहीं बख्शा। वैसे सोमनाथ के मंदिर को ना महमूद गजनबी ने ही लूटा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग तब भी साथ थे। बलकरन सुजान के घर क्यों सुरक्षित था? सुजान का घर रास्ते से हटकर दूर कोने में था, लुटेरे सीधे रास्ते से चले आ रहे थे, इसीलिए बलकरन सुजान के घर सुरक्षित था। तैमूर के आने की खबर सुनकर गांव में क्या हुआ, वर्णन करें। भाई तैमूर, जब तैमूर गांव में आया तो गांव के सभी लोग भाग भाग करके छुप गए। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और जंगल की तरफ या तहखाने में जाकर के अपनी जान बचाई।
लोगों के मन में तैमूर का खौफ था। उन्होंने कहा कि तैमूर बहुत ही कुख्यात है, जो उसके सामने आएगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए लोग भाग भाग करके छुप गए। अगला प्रश्न है, बलकरण की 12वीं वर्षगांठ पर उसकी अन्य वर्षगांठों से किस तरह से भिन्न थी? कल्याणी ने उसकी यह वर्षगांठ किस तरह से मनाई? कल्याणी अपने बेटे बलकरण की 12वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती थी, परंतु तुर्क सैनिकों ने आकर के उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। इस पर बलकरण को माँ ने उसके रक्त का टीका लगा करके अपना आशीर्वाद दे करके मनाई। इस तरह से बलकरण की यह वर्षगांठ अन्य वर्षगांठों से भिन्न थी। तो विद्यार्थियों, ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो छोटे रूप में भी मैंने प्रश्नों को दिखाया है, जिसमें थोड़े में ही आपके बहुत से प्रश्न जो है ना वो आ जाएंगे। चाहें तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट इनका कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अच्छा लगता है तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, और कोई चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब अवश्य करें। लीजिए, आप इनको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं इस तरह से कर दिया है। अगला जो प्रश्न है, आपको सही उत्तर पे सही निशान लगाना है। बलकरण की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? तो ये 12वीं वर्षगांठ, इस पे हमने टिक कर दिया है। अगला है, बलकरण ने अपनी वर्षगांठ के दिन किसकी पूजा करने की बात कही? हथियारों की पूजा। तैमूर का सरदार कौन था? तो तैमूर का सरदार जो था वो था अली बेग। कौन था? अली बेग। बलकरण के वर्षगांठ के दिन कौन सा पकवान बनना था? तो भाई खिचड़ी नहीं, खीर बननी थी उस दिन। देखो सेकंड ऑप्शन पे है ना, हमने निशान लगाया हुआ है, खीर बनानी थी। कल्याणी तैमूर से बचने के लिए कहाँ छुप गई? तो भाई वह तल घर में चली गई, तल घर अंडरग्राउंड जो कमरा था उसमें पहुंच गई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? तो पहले में चाकू आएगा। तू दिन दुना रात चौगुना बढ़े। महमूद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था, तोड़ा था। अगला है, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसीलिए किया है, और तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। भाषा कौशल की तरफ आगे बढ़ते हैं। शायद वह आ गए भविष्यकाल, शायद वह आएगा। तुम क्या गुनगुना रही हो भूतकाल, तुम क्या गुनगुना रही थी? गुनगुनाओगी, ये तो भविष्य हो जाएगा भाई, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा। क्या गुनगुना रही थी भूतकाल में, तो आप इसको गुनगुना रही थी लिखेंगे। आज वर्षगांठ में क्या करोगी वर्तमान काल, आज वर्षगांठ पर क्या कर रही हो वर्तमान में, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब ये भूतकाल में करना है हमें, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, और भविष्यकाल तुम्हारी तलवार मेरे हाथों में होगी आने वाले समय में। अगला है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों को अलग अलग अर्थ में लिखिए। तो देखिए, पहला कर्म है ना, सदा अच्छे कर्म करते रहिए, और कर्म 1 से 100 तक क्रम में लिखें। चिंता, चिंता बहुत बुरी होती है। चिता, चिता चिंता से चिता भली, चिंता से चिता भली। शास्त्र, शास्त्रों में सत्य कहा है। शस्त्र, वह शस्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर चला। पावन, होली पावन पर्व है। पवन, ठंडी पवन बह रही थी। साहस, उसका साहस सराहनीय था। सहसा, सहसा वह दौड़ने लगा। अगला प्रश्न है, शब्द बनाए। व्यवहार प्लस में एक किसका बन जाएगा? व्यवहारिक। पर स्थान प्रस्थान, आशीर्वाद आशीर्वाद, कमबख्त कमबख्त, दृढ़ता तो दृढ़ता बन जाएगा। ना चीज,
अगला है, मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, मोटापे के कारण वह दौड़ नहीं पाएगा। तो इसमें आपको वह सुंदर है, ताजमहल की सुंदरता दर्शनीय है, वह बहुत अच्छा है, उसकी आदतें अच्छी हैं, वह बहुत लंबा खंबासा था, उसकी लंबाई अधिक थी। तो ये आपका विशेषणों के रूप में प्रयोग हो गया। अगला है भाई, काल क्रिया के समय जिस रूप से समय के का बोध होता है उसे काल कहते हैं। भूत का काल के तीन भेद होते हैं भाई, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भाई वह सो रहा था, वह सो रहा है, वह सोएगा। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका जो है ना ये अभ्यास हो जाता है कंप्लीट। तो हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आप इसको अच्छी तरह से राइट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।